नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब यदि आप इस देश में रहते हैं और इस देश के कानून के बारे में आप नहीं जानते हैं और कुछ आप ऐसा काम कर देते हैं जो कि इलीगल है, तो उस सिचुएशन में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जज साहब मुझे लॉ नहीं पता था। जज या कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि आपको लॉ पता है, चाहे आप लॉ जानते हों या नहीं जानते हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये एक्सक्यूज नहीं देते। ये बात एक सेटल्ड पोजिशन ऑफ लॉ है। मतलब ये बात सिद्ध हो चुका है कई सारे ऐसे केसेस में कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि कोई ऐसा केस आ गया आपके पास, आप वकील हैं, आपके पास कुछ ऐसा केस आ गया जिसमें आपको लग रहा है कि कन्विक्शन जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, फिर भी एज एन एडवोकेट आपको अपने क्लाइंट को बचाना है, तो क्या करेंगे? आज हम एक ऐसे ही जजमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे जो कि कल के दिन में 10 अगस्त 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया है। इस केस में क्या हुआ है ये बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसमें एक लेडी है जो कि सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल से ऊपर की है, और इसके दो बच्चे हैं, इसके हस्बैंड हैं, 4-5 लोग ये घर में रहते हैं। छत्तीसगढ़ का केस है। वहां ये लेडी गांजा जो होता है, जो NDPS एक्ट के थ्रू मना किया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये 4-5 लोग मिलकर के गांजा का कारोबार करती है, कैनबिस का कारोबार करती है और लोगों को बेचती है। और इनके घर में 5 क्विंटल और कई केजी और गांजा पकड़ा जाता है, वो वहाँ से रिकवर कर दिया जाता है। उसके बाद इन पे कार्रवाई होती है, लोअर कोर्ट इनको 15 साल की सजा दे देता है और 1 लाख रुपये का फाइन लगाता है और ये कहता है कि यदि ये 1 लाख रुपया पेमेंट नहीं करती है तो इनको और 3 साल एक्स्ट्रा पनिशमेंट दिया जाएगा, जेल में रखा जाएगा। मतलब 15 और 3, 18 साल के आसपास का लमसम इनको पनिश कर दिया जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि इनके अलावा जो बाकी के दो बच्चे थे और भी जो लोग थे को एक्यूज्ड, उनको ट्रायल कोर्ट छोड़ देती है, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलता है। चूंकि इनके घर में मिला था, इनके घर से रिकवरी हुई थी, इसलिए इनको पनिश कर दिया जाता है। कई साल जेल में रहने के बाद ये महिला हाईकोर्ट में अप्रोच करती है, अपील करती है और उनसे गुजारिश करती है कि इनका जो सेंटेंस है उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट अपील को डिसमिस कर देता है कि नहीं हो सकता क्योंकि रिकवरी आपके पास हुई है और ट्रायल कोर्ट ने जो बात कहा है, जो आपको पनिश किया है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और एक और एडवोकेट के पास जाती है। वो बताती है कि वकील साहब, बात तो ऐसा है कि मैं गांजा का व्यापार करती थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, गांव में गांजा जो कैनबिस है उसका पेड़ आप आम बात है मिल जाएगा, तो वहाँ से कुछ पैसे हो जाते थे, उससे अपना घर चलाती थी मैं। मुझे नहीं पता था कि NDPS क्या है और गांजा का व्यापार करना क्या ये गलत है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। यदि आइडिया होता तो मैं कुछ ऐसा करती ही नहीं। इससे पहले मैंने कोई भी क्रिमिनल काम नहीं करा है, बिल्कुल क्लीन क्लियर रिकॉर्ड है, तो आप किसी तरीके से मेरे पनिशमेंट को कम करा दें या मुझे बाहर निकाल लें। इनका वकील जानता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। यदि हम आर्गुमेंट करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके कि मुझे लॉ नहीं पता था, तो इनके वकील को पता है कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर भी एक वकील क्या करता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करता है, अपील में जाते हैं, और वहां पे क्या होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखता है तो वहां पे कई सारी पहलू आते हैं। उनमें से एक पहलू जो इनके वकील साहब लगातार स्ट्रेस करते हैं वो ये है कि ये एक सीनियर सिटीजन महिला है, गांव में रही है, पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, लॉ के बारे में इसको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। दो इट इज ट्रू दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट इवन देन ये फैक्टर्स को निचली अदालत ने बिल्कुल नहीं देखा है और पनिश कर दिया है। क्योंकि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो यह कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए और इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था। यदि पनिशमेंट देना ही होता तो 15 साल ना दे करके कुछ कम कर देते, या 1 लाख जो उन पे फाइन लगाया था उसको कम कर देते, कुछ तो कर देते, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अप्रोच टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को देखता है और ये कहता है कि ये बात सही है कि ये महिला सीनियर सिटीजन है, पढ़ी लिखी नहीं है, लॉ की जानकारी नहीं है। हालांकि ये बात भी सही है कि इन्होंने जो करा है, जो 5 क्विंटल गांजा रखा है अपने घर में, ये तो इलीगल है, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, और इनके वकील साहब भी अपोज नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है ये तो गलत है। लेकिन फिर भी
इन तमाम चीज़ों को आप कंसिडर करें और जो भी ऑर्डर पास करना है तो पास करें। माने सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 17 ऑफ द जजमेंट में कहते हैं, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द ऑफेंसेस अंडर द NDPS एक्ट आर वेरी सीरियस इन नेचर एंड अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज एंड नो डिस्क्रिशन इज टू बी एक्सरसाइज इन फेवर ऑफ सच अक्यूज्ड हु आर इंडल्ज्ड इन सच ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। इट इज अ मेनस टू द सोसाइटी, नो लीनियंसी शुड बी शोन टू द अक्यूज्ड पर्सन हु आर फाउंड गिल्टी अंडर द NDPS एक्ट, बट वाइल अफोल्डिंग द सेम दिस कोर्ट कैनॉट बी ऑब्लिवियस of the other facts and circumstances as projected in the present case that the old illiterate lady from a rural background who was senior citizen at the time of alleged incident was residing in that house along with her husband and two grown-up children who may be into illegal trade but that the prosecution failed to examine and taking note of the procedural compliance this. फिर उसके बाद paragraph 18 में कहा जाता है कि we are not going to examine the question any further but taking in totality of the matter and background fact which have come on record that she was an illiterate senior citizen on date of incident this having no criminal record and was from a rural background completely unknown to the law and unaware of what was happening surrounding her, all these incidental facts have not been considered by the learned trial court while awarding sentence to the appellant. In the given facts and circumstances, while upholding conviction of the appellant and considering the old age of the accused appellant, who is a poor illiterate lady, completely unaware of the consequences, we consider it appropriate that the sentence of the accused appellant be reduced, कम कर दिया जाए, reduced to 12 years, rigorous imprisonment and a fine of rupees 1 lakh and in default to further undergo rigorous imprisonment of 6 months. ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था, 1 लाख फाइन नहीं देंगे तो 3 साल और एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसके सेंटेंस को कम कर दो, 15 से 12 कर दिया और कहा कि 1 लाख फाइन रहेगा और फाइन यदि नहीं देंगे तो 6 महीना और, तो कुल मिलाकर के 3 साल उधर, 2.5 साल उधर कम हो गया और 3 साल इधर कम हो गया। और उसके बाद कहता है 6 मंथ विच शैल मीट द इंड्स ऑफ जस्टिस ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली, कहता है कि इतना होने से जस्टिस सर्व हो जाएगा। तो इस वीडियो से हमें यह सीखना है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड हैं, जो भी अवेलेबल लॉ हैं, उसके अंदर ही आपको कुछ ना कुछ जोड़ निकालना है। आपको अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वो हर चीज़ करना है जो किया जा सकता है, चाहे लॉ कुछ भी हो, कैसा भी हो। आप हिम्मत नहीं हारें, आर्गूमेंट करें। यदि वकील साहब, इनके वकील साहब यदि बोलते कि जी कुछ नहीं होना, तो शायद 3 और 3 6 साल का लगभग जो पनिशमेंट कम हुआ है ये नहीं हो पाता। 1 दिन जेल में रहना बहुत बड़ी बात होती है, और 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल आप उसके कन्विक्शन को कम करा देते हैं, उसके पनिशमेंट को रिड्यूस करा देते हैं, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। आशा करता हूं कि आप में से वैसे लोग जो लॉ स्टूडेंट हैं, इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये बात तो जरूर सीखेंगे कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोई बात नहीं, आपको आर्गूमेंट करना है, जैसा कि आपने इस केस में देखा है। तो ये बात सही है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, उसके बावजूद भी आप अपने क्लाइंट को बचाने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद जो भी लग सके लगाना चाहिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपको मैं हमेशा आपके डोरस्टेप तक पहुंचाता रहता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।